1.2 continuity and differentiability class 12th question number 5 differentiate the following function sin ax plus b over cos cx plus d तो इसको किस तरह से हम करेंगे आइए देखते हैं तो सॉल्यूशन लेट कर लें इसको लेट y इज इक्वल टू sin ax plus b over में cos cx plus d तो आप देखिए यहां पर कोशेंट रूल लगेगा तो कोशेंट रूल u over v कौन सा u over v रूल क्या है d over dx u over v इज इक्वल टू v square v into derivative of u ये नीचे आएगा माइनस u into derivative of b तो ये रूल यहां पर हम लगाएंगे यहां u की जगह पर क्या है sin x b की जगह पर क्या है cos x तो देखिए रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बटे dx इज इक्वल टू v स्क्वेयर तो cos स्क्वेयर cx प्लस d यहां पर v cos cx प्लस d वैसे का वैसे डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ u यानी sin ax प्लस b माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v v क्या है cos cx प्लस d इस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे ये वैसे का वैसे आ जाएगा cos cx प्लस d इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मैं फार्मूले भी साथ साथ लिखता जाता हूं साइन x का क्या फार्मूला होता है cos x तो x की जगह पर ax प्लस b है तो यहां cos ax प्लस b ax प्लस b इसका चेन रूल के हिसाब से दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे ax प्लस b का दोबारा डेरिवेटिव माइनस आगे देखिए साइन ax प्लस b वैसे का वैसे और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी साथ में डेरिवेटिव किसका सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी का तो देखिए अब इसके नीचे बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी ऐसे आराम से करते जाए अपने आप ये सम हो जाएगा आगे देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी इसका डेरिवेटिव कितना आ गया ए कितना आ गया ए एक्स का डेरिवेटिव ए और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ये माइनस माइनस क्या करते हैं यहां पे प्लस साइन सी एक्स प्लस डी इसका डेरिवेटिव कितना आ गया सी ओवर में कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी तो आप देख सकते हैं इसका जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बन गया cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस बी डी इंटू सी ओवर में cos स्क्वायर सी प्लस डी तो यहां पर चेन रूल भी हमने लगाया है और साथ में कोशेंट रूल लगाया है इस तरह से और ये वाले फार्मूले इसमें लगे हैं एक दो तीन उम्मीद है ये सब आपको समझ क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स की 5 टू फंक्शन है बीच में प्रोडक्ट है तो कैसे प्रोडक्ट रूल लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 तो यहां पर एक u फंक्शन और एक v फंक्शन बीच में क्या है प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट रूल क्या है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u तो ये प्रोडक्ट रूल आप ध्यान में करें नहीं पता तो आप इसको लर्न कर लें ये यहां पर लगाएंगे फिर जो चेन रूल बीच में लगेगा वो भी लगाते रहेंगे और सम आपका हो जाएगा डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटे डी एक्स। यहां पर यू ये है, बी ये है, यू कॉस एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ बी यानी साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ यू यानी कॉस एक्स क्यूब। इनको हम सॉल्व करेंगे, ये वैसे का वैसे, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे। पहले देखिए साइन के ऊपर पावर है तो पावर सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे मतलब मन में ये पूरा फंक्शन एक लट कर लीजिए और पावर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स रेज टू पावर एन है तो एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 है 2 आगे आ जाएगा, जैसे उसका एन आगे आ गया, एक्स की जगह पर क्या है साइन एक्स रेज टू पावर 5, तो पावर इसकी 2 माइनस 1। अब पावर के हिसाब से सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट जो चेन रूल के हिसाब से अब इसका जो फंक्शन है साइन एक्स रेज टू पावर 5, इसका चेन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आगे साइन स्क्वेयर एक्स 5 वैसे का वैसे, इसका निकालेंगे कॉस के हिसाब से, क्योंकि यहां पर पावर नहीं है, एक्स के ऊपर है कॉस के ऊपर नहीं है, तो कॉस के हिसाब से कॉस का जो डेरिवेटिव क्या होता है अभी पिछले साम में भी बताया था माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब, तो चेन रूल के हिसाब से तो एक्स क्यूब का हम दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है, आगे जहां जहां डेरिवेटिव निकालना है वहां वहां निकालते रहेंगे, बाकी वैसे का वैसे। यहां क्या है कॉस एक्स क्यूब डॉट 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 पावर 2 माइनस 1 आ गया। अब इसको साइन के हिसाब से निकाल लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूले आप नोट करते रहें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स रेज टू 5, लेकिन यहां एक्स की पावर है, चेन रूल के हिसाब से इसको भी हम क्या करेंगे आगे डिफरेंशिएट करेंगे। तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक अकेला एक्स ना बच जाए, प्लस यहां माइनस है तो माइनस ही लगा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 साइन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो क्या बन गया 3x स्क्वेयर। पावर के हिसाब से सॉल्व कर लिया, एक्स का कितना होता है 1। ये तो हो गया कंप्लीट, अब सिर्फ ये बचा है, इसको देख लेते हैं। कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स रेज टू 5 कॉस एक्स रेज टू 5, इसका डेरिवेटिव 5x4, 5 आगे आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू 5 साइन एक्स क्यूब डॉट 3x स्क्वेयर। तो सब जगह से डेरिवेटिव निकल चुका है, ये भी आंसर है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो x वाले फंक्शन को आगे लिख दें, जैसे यहाँ 2 है एक तो एक 5 है, 5 टू जा 10 एक्स रेज टू पावर 4, बाकी वैसे का वैसे लिख देंगे, कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स 5 साइन एक्स 5 माइनस 3x स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स 5 साइन एक्स क्यूब। तो दिस इज द आंसर, तो पूरे केयरफुली आपने करना है, जहां चेन रूल लगाना है वहां चेन रूल लगाएं, और शुरू में हमने क्या लगाया प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। तो यहां पर भी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, कॉट है, यहां एक्स स्क्वेयर है, ऊपर पावर भी है, तो इस तरह को सम को किस तरह सॉल्व करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो इसकी पावर जो अंडर रूट है वो पावर हाफ होती है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो सपोज कीजिए यहां कॉट एक्स स्क्वेयर की जगह पर क्या है एक्स, तो उसकी पावर ये हाफ है, इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटा डी एक्स पावर क्या आ जाएगी आगे 1/2 कॉट एक्स स्क्वेयर सारे की पावर ये 2 वैसे का वैसे साथ में 1/2 माइनस 1। आगे ये देखिए मान लीजिए ये मैं कह रहा था पूरा एक्स मान लें, अगर मान लीजिए टी है तो टी का डेरिवेटिव क्या निकालेंगे दोबारा से निकालेंगे तो इस सारे का डेरिवेटिव दोबारा चेन रूल का यूज करते हुए चेन बनती जाएगी जब तक ये एक्स नहीं आ जाता, ये कॉट एक्स स्क्वेयर है तो कॉट एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव दोबारा से निकालेंगे तो 2 से 2 कट गया डी वाई ओवर डी एक्स कॉट एक्स स्क्वेयर। अब ये यहां एलसीएम ले लेंगे 2 तो 1 माइनस 2 इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे कॉट एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स लेकिन यहां एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर दे देंगे तो क्या बनेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। सपोज कीजिए यहां टी है तो ये भी क्या है टी है तो टी का डेरिवेटिव दोबारा या यूं कहें एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव चेन रूल लगाते हुए फिर दोबारा से तो क्या बन गया ये हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स कॉट एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 2 माइनस हाफ पावर कितनी होगी माइनस हाफ ये क्या है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब डी ओवर डी एक्स इस फॉर्मूले से कितना बन जाएगा 2x पावर आगे आ जाएगी 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 2x। इसके बाद x का डेरिवेटिव जो क्या होता है 1 होता है तो ये हमारा आंसर माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये सारा वैसे का वैसे माइनस साइन माइनस पावर है तो नीचे जाकर के क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर कॉट एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट तो ये आंसर है। हाफ पावर को हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये तीनों सम आपने समझ लिए हैं देख लिए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आपका बहुत बहुत